please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. विवादित बयान देने वाले यूपी के बलिया में बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस बार अपनी ही सरकार को घेर लिया। एससी एसटी संशोधन बिल पास होने के बाद सुरेंद्र सिंह ने मोदी सरकार को गलत ठहराया और दावा किया कि इससे उत्तर प्रदेश में पार्टी को खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने अपने इस्तीफे की भी धमकी दी। पार्टी के जो परंपरागत मतदाता हैं वो दुखी हैं और इसका जो है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़े। जो अपनों को छोड़कर दूसरे के ऊपर डोरा डालने की कोशिश करता है तो न अपना रह जाता है और पराया तो पराया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी वोट की राजनीति करके इस तरह का बिल लोग पास कराए हैं, ये अच्छी बात नहीं है सब। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी मदद से चलने वाले एक गर्ल्स हॉस्टल के संचालक अश्विनी शर्मा मीडिया के सवालों से बचने लगे। अश्विनी शर्मा पर उनके हॉस्टल की दो दिव्यांग छात्राओं ने आरोप लगाया कि अश्विनी ने कई साल तक उन दोनों लड़कियों का रेप किया। जिनकी शिकायत पर पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले आरोपी अश्विनी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच वहां मौजूद पत्रकार उन पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछते रहे, लेकिन पुलिस वालों की आड़ में मुंह छुपाते हुए आरोपी वहां से निकल गया। जितने भी वहां पे महिलाएं रह रही थी, लड़कियां रह रही थी, उनमें भी अभी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी है कि ऐसी कोई और भी घटना तो नहीं की इसने किसी के साथ में। अश्विनी शर्मा पर आरोप है कि 2016 में उन्होंने भोपाल में पढ़ाई करने गई दो दिव्यांग लड़कियों का रेप किया और चार लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल से निकालकर अपने घर ले गए। अश्विनी शर्मा पर ये गंभीर आरोप भी है कि उन्होंने सभी लड़कियों को अपने घर में लंबे वक्त तक रखकर उनका रेप किया और फिर उनमें दो लड़कियां कोर्स खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के धार जिले में अपने घर वापस लौट गईं। घटना के कुछ वक्त बाद पीड़ित लड़कियां इंदौर के साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित के पास पहुंची और दावा है कि उनसे बातचीत के दौरान ही लड़कियों ने अपने साथ हुई रेप की घटना का जिक्र किया। फिर पुरोहित दंपति ने भोपाल के डीआईजी और धार के एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी। आगे पढ़ना चाहती थी तो उसके लिए पूछ रही थी कि कहाँ एडमिशन लेना, तो बातचीत के दौरान उन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर जहाँ वो भोपाल में रहती थी वहाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस भोपाल के अवधपुरी इलाके में मौजूद अश्विनी शर्मा के घर पहुंची और उसे सील कर दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी और गैर सरकारी हॉस्टलों की हर महीने जाँच करने के आदेश दे दिए। पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी चार्जशीट पेश हो के उसको कड़ी सजा मिले। साथ ही इस पूरे मामले की जांच की कमान एसआईटी को सौंप दी और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले ही इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हॉस्टल में रेप कांड के विरोध में भोपाल में कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिन पर आरोपी अश्विनी शर्मा को फांसी दिए जाने की मांग लिखी थी। दिव्यांग लड़कियों के रेप के बहाने कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगा दिया। किस तरह से इस मसले को रफा दफा करने की कोशिश सरकार कर रही थी, क्योंकि अश्विनी शर्मा जो दोषी है वो कुछ मंत्रियों के नजदीकी और अफसरों के नजदीकी है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग और राज्य के सभी दिव्यांग आश्रमों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की। महाराष्ट्र एटीएस ने नाला सुपारा से वैभव राउत के साथ शरद कालिस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुणे से सुधन्वा गोंधेलकर को गिरफ्तार किया है। सुधन्वा गोंधेलकर शिव प्रतिष्ठान से जुड़े रहे हैं। ये शिव प्रतिष्ठान संभाजी भिड़े का है, जिसका नाम भीमा कोरेगांव हिंसा के दौरान उभर कर सामने आया। हालांकि शिव प्रतिष्ठान ने सुधन्वा से पिछले 4 साल से संबंध होने से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने में जुटे थे। सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत के पास से एटीएस ने काफी सामान बरामद किया है। 20 देसी बम, जो 2 जिलेटिन की छड़ें, 22 नॉन इलेक्ट्रिक डोटेनेटर, सफेद पाउडर, 6 वोल्ट की 10 बैटरी, कटर और ब्लेड। मुंबई के पास पालघर के नाला सुपारा इलाके के एक मकान से महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी कुछ सामान एक ट्रक में रखने लगे। आरोप है कि ये संदिग्ध सामान सनातन संस्था से जुड़े वैभव राउत नाम के एक आदमी के मकान से बरामद हुआ, जिसे जब्त कर महाराष्ट्र एटीएस के अफसर अपने साथ ले गए। सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान एटीएस को वैभव राउत के मकान से 8 देसी बम और डेटोनेटर मिले, जबकि उनकी दुकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। घर से कुछ क्रूड बम मिले हैं और साथ ही साथ जब और भी छानबीन की गई और भी जगह पर छापेमारी की गई तो पता चला कि जो वैभव राउत का दुकान और गोडाउन है
वहां पर भी एक्सक्लूसिव के कुछ सामान मिले हैं। एटीएस की कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई और एक आदमी मोबाइल से छापेमारी का वीडियो बनाने लगा। जानकारी के मुताबिक वैभव राउत सनातन संस्था से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और गोहत्या के विरोध में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। साथ ही मस्जिदों पर लाउडस्पीकर और लव जिहाद जैसी घटनाओं का भी उन्होंने विरोध किया था। लव जिहाद के मामले में मस्जिद के ऊपर जो भोंगे लगाए जाते हैं लाउडस्पीकर, उसके मामले में गोरक्षक के मामले में उन्हें बहुत काम किया था, अच्छे कार्य करता है और ये टाइप का काम वो नहीं कर सकते। महाराष्ट्र एटीएस का दावा है कि संदिग्ध गतिविधियों के शक में वो पिछले कुछ दिन से लगातार वैभव राउत पर नजर बनाए हुए थी। और जैसे ही एटीएस को वैभव राउत के घर पर होने की जानकारी मिली, उसने वहां छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां से मिले संदिग्ध सामान को भी जांच के लिए एटीएस अपने साथ ले गई। साथ ही घर में मौजूद वैभव राउत को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। वैभव को गिरफ्तार करने के बाद उनके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर बाहर लाया गया, लेकिन वैभव राउत की पत्नी ने महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। मेरे हस्बैंड को उन लोग लेके गए हैं, अभी तक एक भी इंटीमेशन अभी तक कुछ भी मिला नहीं है, 24 घंटे के ऊपर का समय निकल गया है। वैभव राउत की गिरफ्तारी के बाद हिंदू जनजागृति समिति ने बयान जारी कर उन्हें हिंदू गोवंश रक्षा समिति का सदस्य बताया। साथ ही वैभव की गिरफ्तारी को उनके हिंदू संगठन को बदनाम करने की साजिश बताया। लेकिन एटीएस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और वैभव राउत से मिली जानकारी के आधार पर दो और आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 18 अगस्त तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील और सरकारी वकील के बीच तीखी बहस भी हुई। सरकारी वकील ने दावा किया कि 7 अगस्त को एटीएस को मुंबई, पुणे, सातारा, सोलापुर और नालासोपारा में आतंकी वारदात को अंजाम दिए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद की गई छापेमारी में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि एटीएस ने वैभव को पहले से ही पकड़ रखा था, बाद में उसे नालासोपारा में उसके घर ले गए। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि 7 अगस्त को गिरफ्तारी के बावजूद आरोपी को इतनी देर बाद कोर्ट में क्यों पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एटीएस हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आसमान में एक ड्रोन दिखने पर हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के 3 में 1 रनवे को बंद करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम 5 बजे दिल्ली से चेन्नई जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान के पायलट ने जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर एक ड्रोन को उड़ते देखा। जिस वक्त पायलट ने ड्रोन को उड़ते देखा, उस वक्त उसकी एयरपोर्ट से दूरी करीब 3 नॉटिकल माइल बताई गई। आसमान में ड्रोन को उड़ते देख पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। संवेदनशील इलाके में ड्रोन की जानकारी मिलते ही ATC ने SOCC यानी सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को अलर्ट भेजा, जिसके बाद SOCC ने सुरक्षा एजेंसियों और एयरफोर्स को इसके बारे में बताया। साथ ही एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट के 3 में 1 रनवे को तुरंत बंद कर दिया गया, जो करीब 72 मिनट तक बंद रहा। इस दौरान एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही CISF ने ड्रोन दिखने वाले इलाके में अपनी क्विक रिएक्शन टीम को भेजा। बिहार के पटना में RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। ये महिलाएं मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में वहां जुटी थी और सड़क पर जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अपने हाथ में कागज की तख्तियां भी ले रखी थी, जिसमें नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। CBI जांच की मांग हुई विपक्ष के द्वारा, उसके बाद हाई कोर्ट से मॉनिटरिंग की बात हुई, उसके बाद मंत्री के इस्तीफे की बात हुई। ये तमाम बातें पूरी हो चुकी हैं, बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा और महाभारत जारी है। राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ताओं ने बिहार में फिर से चुनाव कराए जाने की भी मांग की। नीतीश कुमार इस्तीफा दें, उनके शासन काल में इतना बड़ा जो अनाथ बेटियां हैं उनके साथ दुराचार किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि इन महिलाओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद महिला पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को आगे जाने से रोक दिया। हालांकि मुजफ्फरपुर कांड पर सियासत यही नहीं रुकी। RJD के बाद लोकतांत्रिक जनता दल ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोकतांत्रिक जनता दल ने कैंडल मार्च निकालकर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर डाली। बिहार में जब 34 लड़कियों का असमत लूट गया तो क्यों नहीं इस्तीफा देते। LJD के कार्यकर्ताओं ने CBI जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। ब्रजेश ठाकुर को फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए, पूरी जांच 3 महीने में हो। LJD कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के NGO को नीतीश कुमार की सरकार ने ही मालामाल किया, जिसकी जांच होनी चाहिए। संसद भवन परिसर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष के कई नेताओं के साथ प्रदर्शन करने लगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने राफेल विमान सौदे की जांच JPC से कराने की मांग की।
और अपनी इस मांग को लेकर सोनिया गांधी समेत कई दूसरे दलों के सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ सांसदों ने हाथों में राफेल सौदे की जांच की मांग से जुड़े कुछ बैनर भी ले रखे थे। वहीं प्रदर्शन में शामिल कुछ सांसद जमीन पर बैठकर आवाज बुलंद करने लगे। किसको फायदा करने के लिए हुआ है और देश के सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, इसीलिए हम जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मोर्चा संभाला और विपक्ष को देश की रक्षा से जुड़े मसले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर सारी ट्रांसपेरेंसी देखी गई है, उन सरकार ने भी घोषणा की, हमारी सरकार ने भी घोषणा की है। संसद का मानसून सत्र खत्म होते देख विपक्ष राफेल सौदे को लेकर केंद्र पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखा।